Assalamualaikum guys, welcome in my YouTube channel Routine Calligraphy. तो guys आज हम लोग जो तीन IMP most IMP ज़माने हैं आते हैं उनको आज हम लोग समझेंगे और एटलीस्ट अगर आप पूरे नहीं कर सकते बहुत प्रॉब्लम होती है तो कम से कम हम तीन जो इसमें ज़माने आते हैं वो ज़रूर लर्न करेंगे. तो जो फर्स्ट है सबसे पहली वो है मुंशी प्रेमचंद की जो हमें आज लर्न करनी है जिसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी. और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और इसमें से आप लर्न कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा. और हाँ, मैंने अभी तक MP बोर्ड का जितना भी उर्दू का सिलेबस था वो पूरा सॉल्यूशन के साथ मेरे चैनल पर अपलोड है. प्लेलिस्ट भी मैंने कंप्लीट करके रखी है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो सामान आते हैं वो. तो फर्स्ट है मुंशी प्रेमचंद जो है पेज नंबर 9 पर. ये रहे उनकी सामान्य याद पेज नंबर 8 पर है प्रेमचंद की. तो इसको समझ लेते हैं. ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धमपत राय था. वो बनारस के करीब एक लम्ही गांव में पैदा हुए. उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक के महकमा में क्लर्क थे. कम उम्री में ही उनके वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया. इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी. उन्होंने महकमे तालीम में नौकरी कर ली. सरकारी मुलाजिमत की वजह से हक बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई तो मुलाजिमत तर्क करके सारी ज़िंदगी तसनीफ तालीफ के कामों में सर्व कर दी. प्रेमचंद ने तकरीबन 350 अफसाने और 12 नावल लिखे. उन्हें उर्दू अफसाने का अव्वलीन अफसाना निगार नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निगार ज़रूर कहा जा सकता है. उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक मायार अदा किया है. उनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेश कीमत सरमाया है. उनके मजमुओं में वारदात, प्रेम 25, प्रेम 32, आखिरी तोहफा, निजात और ज़ादरा काबिल ज़िक्र हैं. और उनके नावलों में चौगान हस्ती, मैदान अमल, बेवा, बाजार हुस्न और गोदान मुमताज़ हैसियत रखते हैं. प्रेमचंद के नावल और अफसाने बेमसल हकीकत निगारी नमूना है. उनके अफसानों का पस मंजर मशरकी यूपी का देहात है. प्रेमचंद की नसर सादा और आसान है. अपने अंदाज बयान से उन्होंने अफसानों को बहुत पुरलुत्फ बना दिया. ये अगर आपको लर्न करने में बड़ी लग रही हो तो मैंने इसको शॉर्ट भी करके टिक लगा के रखें. अगर आप पूरी फुल लर्न कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप शॉर्ट भी लर्न कर सकते हैं. जैसे कि मुंशी प्रेमचंद स्टार्टिंग ये 2 लाइंस, फिर 3rd लाइन से तो 4th-5th लाइन तक, देन प्रेमचंद ने तकरीबन यहाँ से तो 2nd लाइन तक, उनके मजमू में वारदात मुमताज़ हैसियत रखते हैं तक. ये आपका हो जाएगा कम्प्लीट. अगर आप फुल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो ज़रूर कर लीजिएगा. और प्रेमचंद के सामान्य हाथ तो ज़रूर ही लर्न कर लीजिएगा. अगर आप ये लर्न कर लेते तो सेकंड सामान्य हाथ है वो है हाली की, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की. मुंशी प्रेमचंद के बाद जो सेकंड मोस्ट आई एम पी सामान्य हाथ है वो है अल्ताफ हुसैन हाली की. जो इसमें 37 पेज नंबर दिया है बट 36 पर होगा. ये सवाने जो 36 पेज पर ही दी गई है. मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए. इल्म की तलब और शेर सुखन का शौक़ उन्हें दिल्ली लाया. यहाँ उन्होंने नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता और मिर्ज़ा गालिब जैसी शख्सियतों से फैज़ हासिल किया. मिर्ज़ा गालिब और शिफ्ता के इंतकाल के बाद हाली लाहौर चले गए और अंग्रेज़ी हुकूमत के मुलाजिम हो गए. लाहौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर उर्दू में जदीद नज़्म की बुनियाद डाली. उर्दू की सवान अदब में हाली की तीन ज़माने मशहूर हुई. हयात सादी सन 1886 ईस्वी में, यादगार गालिब सन 1897 ईस्वी में और हयात जावेद सन 1901 में शाया हुई. हाली का मुकदमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद में एक तारीखी अहमियत रखता है. उन्होंने शायरी के अखलाक और इस्लाही पहलुओं पर जोर दिया है और इसी नुक्ता नज़र से उर्दू शायरी की तनकीद दी का जायज़ा लिया है. हाली का शुमार सर सैद के ख़ास रफीक़ों में होता है. रफीक मीन्स दोस्त. तो अभी अगर आपको ये बड़ी लग रही होगी, आपको लिखने में प्रॉब्लम भी हो तो मैंने इसको भी शॉर्ट करके रखा है. तो आप जितना मैंने इसको कम किया है आप इसको एटलीस्ट कर ही लीजिएगा. ये आपको स्टार्टिंग की जो 2 लाइन है ये एटलीस्ट ये लर्न करनी है. स्टार्टिंग की 2 लाइन्स, फिर देन 4th लाइन से है तो 5th-6th लाइन मिलेगा, शायद उन तक लर्न कर लीजिएगा. देन उसके नीचे की लाइन उन्होंने शायरी के खिलाफ से तो रफीकों में होता है तक एटलीस्ट आप इतना तो लर्न
कर ही लीजिएगा। ये हमारी सेकंड सवाने आती जो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद अगर आप हाली भी लर्न कर लिए मुंशी प्रेमचंद, अब इसके बाद जो थर्ड सवाने आते जो मोस्ट आई एम पी जो आ सकती है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ये भी आई एम पी मोस्ट आई एम पी सवाने आते, आप इसको भी ज़रूर कर लीजिएगा लर्न। ये भी 52 पेज पर दी गई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। उन्होंने 14 साल की उम्र में एक मजमून लिखा जिसका उनवान था तालिबे इल्म की ज़िंदगी। इसकी खसूसियत ये है कि इसमें लिखी हुई तमाम बातों का को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना मकसद बना लिया। सन 1913 ईस्वी में मेट्रिक का इम्तहान पास किया। मजीद तालीम के लिए वो अलीगढ़ के मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज चले गए जहाँ उन्होंने में तक तालीम हासिल की। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमोज कहानियाँ लिखी। उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। जर्मनी से वापस आने के बाद उन्हें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शेख उल जामिया वाइस चांसलर बना दिया गया। सन 1948 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। सन 1966 ईस्वी में जाकिर साहब को सदर जमहूरिया हिंद के अहदे के लिए मुंतखब किया गया। मुल्क और कौम की खिदमत के सिले में उन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न का खिताब अता किया गया। 3 मई सन 1969 को सदर जमहूरिया के अहदे पर ही उनकी वफात हुई और पूरे सरकारी एजाज के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में तदफीन की गई। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के सवाने आते। अगर ये लंबी लग रही है आपको तो मैंने इसको भी शॉर्ट करके रखी है, आप इतनी एटलीस्ट लर्न कर लीजिएगा। देन ये 3 लाइन्स अगर आपके पास लिखी हुई नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें और उसको लर्न कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपका वो डाउट क्लियर करने का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।